हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज राहुल लोवंशी फ्रॉम अयोध्या क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ टॉपिक फ्रैक्शन। दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन मींस फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर किस तरीके से प्लॉट करना है, इसमें हम वो जानेंगे। कन्वर्जन में हम सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन्स एंड कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, ये सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमको इस बात को समझना होगा कि फ्रैक्शन नंबर की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी हमको। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक केक है या एक चॉकलेट है या एक एप्पल है, कुछ भी है, एनीथिंग, तो उसको हम किस नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम करते हैं नेचुरल नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट। लेकिन जब हम बात करें हाफ एप्पल, हाफ चॉकलेट, हाफ केक, तो हम किस नंबर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस नंबर की एक रिक्वायरमेंट महसूस हुई, उसको हमने बोला फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल थिंग और अ ग्रुप। क्या हुआ इसका मीन्स? इसका मतलब हुआ कि फ्रैक्शन जो होता है किसी एक होल यानी पूरा या ग्रुप जो होता है उसका कुछ पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। या हम दूसरी डेफिनेशन इसकी जानना चाहें तो वो होगी हमारी कि द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रेशियो को क्या कहते हैं हम? फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस हिसाब से फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो नंबर इस लाइन के ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और जो अपॉन में नंबर होगा उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। सपोज़ मान लीजिए ये हमारे पास एक चॉकलेट दी हुई है, आपका कोई फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को जो है इस चॉकलेट का कुछ पार्ट दिया। तो इस चॉकलेट में आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, इसमें 8 पीसेस हैं इस चॉकलेट में। तो मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को 1 एंड 2, ये 2 पोर्शन आपने अपने फ्रेंड को दिए। तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, ये टोटल जो है इसको बोलते हैं होल। तो इसमें टोटल कितने पार्ट है हमारे पास? 8 पार्ट है। तो इसको हम लिखेंगे कितना? 8 अपॉन में, और कितने पार्ट हमने दिए? शेडेड पोर्शन हमारा कितना है? 2। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जो 2 है इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, और 8 जो है इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। सपोज इसी में एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अब मान लीजिए हमने पोर्शन कुछ ज़्यादा दिया हमारे फ्रेंड को, ये 4 पार्ट दे दिए। तो इस अब किस तरीके से लिखेंगे इसको? टोटल हमारे पास कितने हैं इसके पार्ट? 8 पार्ट्स हैं, और दे कितने दिए हमने? 1 2 3 4। तो 4 कहाँ जाएगा हमारा? ऊपर जाएगा। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये कोई पिज्ज़ा है, और इस पिज्ज़ा में 4 पार्ट हमने इसके कर लिए हैं। 4 पार्ट्स में से मान लीजिए हमने ये 1 पार्ट जो है हमारे फ्रेंड को दे दिया। तो अब हमारे पास जो है कितने पार्ट्स दिए, मतलब हमने उसको कितने पार्ट हमने दे दिए, कितना पोर्शन हमने उसको दिया? तो देखिए, हमारे पास टोटल पार्ट कितने हैं, होल कितना है हमारा? 4। और हमने कितना पार्ट उसको दिया? 1 पार्ट। तो ऊपर कितना लिख देंगे हम यहाँ पर? 1 पार्ट। मान लीजिए एक और पोर्शन हमने अपने फ्रेंड को दिया, तो अब हमने कितने पोर्शन दे दिए उसको? 2 पोर्शन दे दिए। तो होल कितना था हमारा? 4। और कितने पार्ट हमने उसको दिए? 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2/4। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें एक बात जो है वो ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो उसमें इक्वल पार्ट्स होंगे हमेशा। देखिए, जैसे इस तरीके से दिख रहे हैं आपको 8 पार्ट, तो 8 पार्ट्स इक्वल हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो ये 4 पार्ट्स इक्वल हैं। अब कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज़ ये ट्राइंगल है, ये हमने ट्राइंगल बनाया, इसके हमने 3 पार्ट डिवाइड कर दिए, ये 3 पार्ट्स में इसको। तो क्या इसको 1/3, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं क्या 1/3?
नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको कि अगर इक्वल पार्ट्स में है ये, तभी हम उसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन इन विच वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन वी सेड दैट द फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से क्या होगी, हमेशा कम होगी, यानी कि लेस होगी, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके हम एग्जांपल लिखें तो क्या क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें हम न्यूमरेटर को छोटा करेंगे और डिनोमिनेटर को बड़ा कर देंगे। 3/4 हो गया है, 5/13 हो गया है, 18/30 हो गया है ना, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब हम आते हैं सेकंड पर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, देन वी कैन से दैट द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 3/2, 5/4 ले सकते हैं, और ऐसे कई सारे एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर हमारा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर। अवर नेक्स्ट फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट क्या होता है? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे, हमने लिखा 2 and 3/5। तो ये 2 हमारा क्या है? 2 है हमारा होल नंबर एंड 3/5 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जांपल लिख सकते हैं 3 and 8/15, अगेन 3 इज हेयर अ होल नंबर एंड 8/15 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, गॉट इट। अवर नेक्स्ट फ्रैक्शन इज यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? इफ द न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, जब न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा, तब हम बोलेंगे कि हमारा फ्रैक्शन कौन सा है, यूनिट फ्रैक्शन है। 1/5, 1/9, 1/8, 1/20, वी कैन राइट एनीथिंग एज डिनोमिनेटर एनीथिंग एंड न्यूमरेटर 1। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। मींस फ्रैक्शनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको नंबर लाइन जाननी होगी कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन इज़ अ लाइन इन विच ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एग्जिस्ट। मींस एक ऐसी लाइन जहां पर सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो भी आती हैं, उस लाइन को हम कहते हैं नंबर लाइन। अब कोई हमसे बोले कि इसमें प्लस वन बताइए कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। माइनस वन कहाँ पर है, तो यहाँ पर मार्क कर देंगे। और कुछ पूछेंगे तो यहाँ पर आगे या इस तरफ कहीं पर भी ये आ जाएगा। लेकिन अगर कोई हमसे बोले कि ये फ्रैक्शनल नंबर को किस तरीके से जो है हम प्लॉट करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर लाइन के ऊपर, तो हमको क्या करना होगा सबसे पहले? तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो ये हमारे फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसमें डिवाइड लगा करके चेक करेंगे कि ये फ्रैक्शनल नंबर जो है किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का डिवाइड लगा करके देखेंगे 2 में,
सिक्स डिवाइडेड बाय टू, सिक्स का डिवाइड लाएंगे टू में, नहीं जाएगा तो किससे करेंगे, ज़ीरो से, ज़ीरो सेपरेट कर देंगे, कितना हो जाएगा टू। अब पॉइंट लगा लेंगे, कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी, सिक्स थ्री ज़ार एटीन, तो हमारा इसका आंसर क्या आया, ज़ीरो पॉइंट थ्री। ओके, ज़ीरो पॉइंट थ्री मीन्स क्या, ज़ीरो से ज़्यादा। ओके, लास्ट में क्या है हमारे पास, फाइव बाय सिक्स मीन्स सिक्स से डिवाइड लगाएंगे हम किस में, फाइव में। सबसे पहले करेंगे किससे, ज़ीरो से, ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर देंगे फाइव पॉइंट, अगेन ज़ीरो बढ़ाया हमने यहाँ पर, सिक्स के हम मल्टी टेबल पढ़ेंगे, फिफ्टी आना चाहिए, नहीं आएगा, सिक्स एट ज़ा फोर्टी एट, कितना रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास, टू। तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो पॉइंट एट। तो ये ज़ीरो पॉइंट थ्री है, ये ज़ीरो पॉइंट एट आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर, ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, ये हमारे नंबर लाइन पर ज़ीरो से वन के बीच में लाए करेंगे, ठीक है। अगर वन से ये ज़्यादा आता, सपोज़ 1.8 और 1.3 आता, तो हम कहते हैं कि ये 1 और 2 के बीच में लाए कर रहा है, लेकिन ये 0.3 और 0.8, तो ये 0.3 कहाँ आता है, ये 0 के बाद में आएगा और 1 से पहले आएगा। तो इन नंबर्स को किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे, देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने दिए हुए हैं, 6 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। ओके, तो डिनोमिनेटर को हम क्या मानते हैं, होल मानते हैं, इट मींस हमको ज़ीरो और वन के बीच में सिक्स इक्वल पार्ट्स करने होंगे। तो देखिए सिक्स इक्वल पार्ट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमने ये सेंटर पे लगा दिया, तो ये होगा हमारे टू पार्ट्स। अब इसको भी थ्री पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, वन टू और ये थ्री होगा हमारा, वन टू और ये थ्री। तो इस तरीके से हमारे कितने पार्ट हो गए इसके बीच में, ये सिक्स पार्ट्स हो गए। तो ये किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये तो हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट वाला वन बाय सिक्स, सेकेंड वाला हो जाएगा क्या टू बाय सिक्स, थ्री बाय सिक्स, फोर बाय सिक्स, फाइव बाय सिक्स, एंड दिस इज़ व्हाट, सिक्स बाय सिक्स, सिक्स से सिक्स रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा वन। इट मींस ये सिक्स बाय सिक्स का मतलब वन है। ओके, तो हमको क्या रिप्रेजेंट करना है इसके ऊपर, टू बाय सिक्स, थ्री बाय सिक्स एंड फाइव बाय सिक्स। तो देखिए टू बाय सिक्स कहाँ है हमारा, ये है, थ्री बाय सिक्स ये है, और फाइव बाय सिक्स हमारा ही रहा। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला टॉपिक कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हमको दो चीज़ें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर है हमारा इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ पर हमको क्या करना है, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए ध्यान से, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, कितना है डिनोमिनेटर, यहाँ पर एट, ये लिख दिया डिनोमिनेटर एट, इसका मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर में, इसमें करते हैं मल्टीप्लाई होल नंबर में, मींस एट मल्टीप्लाई थ्री। और जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर है उसको क्या कर देंगे हम, इट विल बी एडेड। नाउ अपॉन में कितना लिखेंगे, जो ऑलरेडी लिखा हुआ था एट, देन एट मल्टीप्लाइड बाई थ्री वी गेट ट्वेंटी फोर, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, फाइव एज इट इज बाय एट। ओके, नाउ वी कैन एड ट्वेंटी फोर प्लस फाइव, we will get 29 by 8, this is our answer, 29 by 8 is nothing but a improper fraction because numerator is greater than denominator. Okay, let us take another example, 7 and 1 by 5, again follow the same procedure here, denominator is 5 multiplied by the whole number and numerator is added by 5, 7 multiplied 5 we get 35 plus 1 by 5. Now we can add this 35 plus 1 36 by 5. I hope you understand. तो इस तरीके से हम जो है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, इसको किस तरीके से करना है, इज जस्ट अपोजिट टू मिक्स टू इम्प्रॉपर। ये अभी हमने जो करा मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्जन, उसी का बिल्कुल जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो अब हम यहाँ पर कि जो हमारा आंसर आया था इसी को ही हम एज अ क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आया था हमारा 29 बाय 8 और ये हमारा आया था 36 बाय 5। अब ये दोनों क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमको क्या करना है,
मिक्स जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड लगाएंगे हम किस में, न्यूमरेटर में। मींस 8 से डिवाइड लगाएंगे हम किस में, 29 में। तो देखिए 8 3 ज़ार 24, सेपरेट कर देंगे 9 माइनस 4, वी गेट 5, 2 माइनस 2 नथिंग। ओके, तो देखिए ये हमारा क्या है, कोशेंट है, और ये क्या है हमारा, ये रिमाइंडर है। क्योंकि अब 8 से कम आ गया यहाँ पर तो इसको और डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम। देखिए 29/8 था, तो 8 कहाँ था हमारा, डिनोमिनेटर में, तो 8 लिख देंगे एज इट इज़। जो हमारा कोशेंट आया है, कोशेंट को हम कहाँ लिखेंगे, साइड में लिखेंगे एज अ होल नंबर। ओके, और जो रिमाइंडर बचा हमारा उसको कहाँ लिख देंगे हम, न्यूमिनेटर में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था वही हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये जस्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। इसमें 5 है, 5 से डिवाइड लगाएंगे इसमें 36 में, 5 7 ज़ार 35, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 5 हमारा कहाँ था, डिनोमिनेटर में, क्वेश्चन हमारा कितना है 7, तो 7 को हम लिखेंगे एज अ होल नंबर, और ये हमने लिख दिया 1, तो इट इज़ अवर फाइनल आंसर। ओके, अब हमारा अगला पॉइंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट का मतलब हो गया इक्वल। इक्विवेलेंट मींस इक्वल, इक्वल फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जो इक्वल होते हैं लेकिन दिखने में अलग होते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो दोस फ्रैक्शंस विच एग्जैक्टली गिव द सेम मीनिंग, ऐसे फ्रैक्शंस जो इनका मतलब सेम होगा लेकिन वो दिखने में अलग हो सकते हैं, उनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए हमने यहाँ पर दो, सपोज ये कोई डायग्राम है, उसमें इसको हमने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको भी हमने कितने में कर लिया, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके, तो देखिए ये जो पिज़्ज़ा है इसमें 4 पार्ट्स हैं। ये मान लीजिए आपको किसी अपने फ्रेंड को देना है, तो आपने उसको ये 2 पार्ट दिए, पूरा कितना था इसमें, होल कितना है हमारे पास, 4 है, तो 4 कहाँ लिखेंगे हम इसमें, डिनोमिनेटर में। और कितने पार्ट हमने उसको दिए, 2 पार्ट आउट ऑफ 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 2 बाय 4। अब मान लीजिए ये एक बड़ा पिज़्ज़ा है, उसमें से कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं। अब 8 में से आपने 4 पार्ट अपने फ्रेंड को दिए, ये 4 पार्ट, देखिए टोटल पार्ट कितने थे, 8 थे, तो 8 को हम क्या लेंगे, होल लेंगे, और ये कितने पार्ट हमने आपको उसको दिए, 4, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर ऊपर। तो देखिए कहने को तो दोनों ने अपना हाफ पोर्शन जो है अपने फ्रेंड को दिया है, लेकिन ये नंबर जो है यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर, ये दिखने में अलग है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये एग्जैक्टली सेम है। देखिए इसको रिड्यूस कर देंगे 2 से, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, इसको भी रिड्यूस कर देंगे, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8, तो इसका आंसर भी कितना जाएगा, 1/2, और ये भी क्या है हमारा, 1/2। तो ये फ्रैक्शंस कैसे हैं हमारे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, भले ही दिखने में अलग अलग थे। तो इस टाइप के जो भी फ्रैक्शंस हमको होंगे उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे लोएस्ट टर्म में, तो हम बोलेंगे उसको कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखिए लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, दोस फ्रैक्शंस वेयर डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। सपोज हमने ये देखी, कोई एग्जांपल यहाँ पे लिखा, कई सारे फ्रैक्शंस हमने लिखेंगे, 2/3 3/3 5/3 8/3, तो ये सभी क्या है हमारे, लाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वह फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, सेम होता है ना। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम नहीं होगा, नॉट सेम और डिफरेंट होगा। तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये हमने लिखा 3/13 13/16 14/3
एटसेट्रा, आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके। देखिए सभी में क्या है, डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट हैं, इट मीन्स ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन सॉरी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शन नंबर्स में, वो आप जानेंगे। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन लिए कुछ, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 3/9 प्लस 7/9, ये हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इनको ऐड करना है। तो ये किस तरीके के फ्रैक्शन हैं, ये लाइक हैं या अनलाइक हैं? तो ये लाइक फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है हमारा सेम है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो वी डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट टू टेक द एलसीएम, तो हमको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 9 है तो हम लिख देंगे 9 एज इट इज़, और न्यूमिनेटर को एज इट इज़ प्लस कर देते हैं 3 प्लस 7, हमारा आंसर हो जाएगा 3 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 10/9, 10/9 इज द आंसर, ओके। अब ये क्वेश्चन लिया हमने एक नेक्स्ट, 8/7 - 2/7, अब ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। तो अगेन ये कौन से फ्रैक्शन नंबर है हमारे, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है दोनों में, सेम है, तो 7 एज इट इज़ लिख देंगे। जिस तरीके से हमने एडिशन परफॉर्म करा था है ना, बिना कुछ करे हमने दोनों को ऐड कर दिया था, सेम हम यहाँ पर करेंगे, 8 - 2 जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा कर देंगे, 8 - 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 में से 2 को, 8 - 2 6 एंड 7 एज इट इज़। तो ये इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6/7। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन। तो हम कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, देखिए ये दो फ्रैक्शन नंबर हमको दिए हुए हैं और ये किस तरीके के फ्रैक्शंस हैं, ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों में हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर दिए हुए हैं 20। तो इस तरीके के जो भी फ्रैक्शंस होते हैं उसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं न्यूमिनेटर के थ्रू। न्यूमिनेटर हमारा कितना दिया है, यहाँ पर देखिए ये 10 दिया है, और यहाँ पर न्यूमिनेटर कितना है हमारा 8 है। तो जो न्यूमिनेटर हमारा बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा, इट मीन्स 10 और 8 में हमारा बड़ा है 10, तो ये फ्रैक्शन जो हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा, ओके। इसमें हमें कुछ नहीं करा, डायरेक्ट हमने डिनोमिनेटर दिया हुआ था और कंपैरिजन कर दिया डायरेक्ट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है 4/5 and 6/15। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये लाइक नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 है यहाँ पर 15 है। तो इस टाइप के नंबर को हमको किस तरीके से कंपेयर करेंगे, तो देखिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ओके 5 and 15, ओके 3 से करेंगे इसको, 2 से तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 2 के मल्टीपल नहीं है, 3 से करेंगे, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, इसको एज इट इज लिख देंगे, 3 5 15, ओके। अब इसको 5 से कर देंगे, 5 1 5 5 1 5, तो एलसीएम क्या आया हमारा, देखिए मल्टीपल कौन कौन से हैं हमारे, 3 and 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 5 15, तो देखिए हमारे पास एलसीएम कितना आ गया इसका, 15 आ गया। तो अब हमको करना है क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको ये करना है, यहाँ देखिए आप इसको 4/5 and 6/15 ये लिख लिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, डिनोमिनेटर में, और क्या आना चाहिए हमारा, 15 आना चाहिए। देखिए ये 5 है, 5 के टेबल में 15 हमारा कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 का। तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उसी नंबर का मल्टीप्लाई कहाँ करना है हमको, ऊपर करना है, ओके। और ये 15 है, 15 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 1 टाइम है, तो यहाँ पर कितने का कर देंगे, 1 का कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12, 5 3 15, 6 1 6, 15 1 15। क्या किया हमने, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये डिनोमिनेटर सेम हो गया है दोनों में, तो अब हमारे लिए बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो देखिए 12 वाला बड़ा है तो इसके का साइन बना देंगे हम, ये हमने बना दिया ग्रेटर का साइन, इसका मतलब कि 4/5 कैसा है हमारा, बड़ा है, और 6/15 किस तरीके का है, छोटा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन साइन में आपको कन्फ्यूजन अगर होता है, इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, जो भी बड़ा होता है, जो भी नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह को खोल देते हैं इस तरीके से, ये देखिए
मुंह को खोल देते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि जो बड़ा जीव होता है वो हमेशा मुंह खोल करके खाने के लिए ही खड़ा रहता है, तो उसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, तो ये याद हो जाएगा, तो इसका लेस दें तो ऑटोमेटिकली जो है अपने आप याद हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या किसी नंबर को हम इसमें से रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में या नहीं कर सकते, क्योंकि तो रिड्यूस करने का एक पैटर्न होता है। न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर ही हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को नहीं रिड्यूस कर सकते। तो देखिए, हम इसको कट करके देखते हैं, ये 4 है और यहाँ पर 20 है, तो 4 के टेबल में 20 आता है तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन 4 के टेबल में 5 नहीं आता है तो ये नहीं हो पाएगा। सॉल्व कर देंगे, 4 1 4, 4 5 20। ओके, ये 5 है और ये 15 है, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, 5 1 5, 5 3 15। ओके, तो इसको हम लिख देंगे 3 and 1 multiply, 3 multiply 1 upon 1 multiply 5। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 हो जाएगा ये 3 and 5 1 हो जाएगा ये 5। ओके, अब इसी तरीके से डिवाइड, डिवाइड को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, देखिए डिवाइड को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिवीजन साइन जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये 8/5 जो है इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, मीन्स 8/5 का क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो लास्ट वाला जो नंबर होता है हमारा, ये इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेंगे पहले, इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अब इसको एज इट इज़ जैसे मल्टीप्लाई का हमने करा था वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया है। ओके, ऊपर हमारा बचा है 3 और यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, 8 बचा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/8। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।